प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापू जी ने तो बोल दिया आटा गुथ दे, अरे लेकिन आटा मिले तो गुथू ना। रख दिया आटा, देख फोन तो कर तो कम से कम पूछ तो सकूं कहाँ रखा है आटा। मैं भी बावरा हो गया हूँ, अरे उसका फोन आएगा तो आटे का क्यों पूछूं, सीधा ये ना बोलूं किधर थी तू, जल्दी आ फटाफट खाना बना। अय्यर भाई को पता होगा इनका, शायद पूछता हूँ। डालन बोलो। अरे अय्यर भाई, ये हमारा गोकुलधाम का महिला मंडल कहाँ गया कुछ पता है? जाला लाल, तुम बार बार क्यों सबको फोन करके पूछ रहे हो? अभी मेरे को आत्मराम का फोन आया था, तुमने उसको भी फोन किया? जाला लाल, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो सारी लेडीज साथ में गई है तो साथ में वापस आ जाएगी। हाँ इतना टेंशन मत लो, डोंट वरी, ओके चलो। हे भगवान, कहते हैं ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन आज ये दया है कि मिल ही नहीं रही है। नहीं सिर्फ दया नहीं, आटा भी नहीं मिल रहा है। कहाँ है तू दया? वहाँ काउंटर पे आप जाइए, वहाँ बिल बन जाएगा। भाई साहब, आपने कहा कि कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है इतने तो बताइए। क्या हमारे घर से कोई आने वाला है? हाँ बताइए तो। मैडम पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे भाई आप समझते क्यों नहीं है, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो खाना बनाएगा कौन? मैडम थोड़ा रुकिए। आपके हमारे घर वालों से कुछ बात हुई? नहीं। तो बताइए ना कौन आने वाला है? अरे आप कुछ भी नहीं बोल रहे, कौन आने वाला है? एक बार बताइए तो कि कौन है वो? पढ़ू है, प्लेज बताइए ना। भाई साहब मैंने फोन किया था अभी, वो कुछ औरतों को आपने बिल पेमेंट ना होने की वजह से बिठा कर रखा है, वो कहाँ है? मैडम आप मेरे साथ आइए, वहाँ है वो लोग, आइए आइए इस तरफ। नंदिनी यहाँ? हाय फ्रेंड्स। हाय हाय। भाई साहब ये वही मूर्ति है ना जिसकी वजह से आप इन्हें जाने नहीं दे रहे? जी मैडम। तो ये आप वापस रख लीजिए। नंदिनी तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर ऐसे फंसे हुए हैं? हाँ नंदिनी, अरे मेरी ननद को ये मूर्ति बहुत पसंद आई, उसे भी ऐसी ही मूर्ति चाहिए थी, इसलिए मैंने गिफ्ट शॉप की थैली पर नंबर देकर फोन किया। हेलो गिफ्ट इन, कहिए। अरे आपके यहाँ से वो जो गणेश जी की मूर्ति आई है ना, वैसी दूसरी चाहिए। कौन सी? वो गोल प्लेटेड गणपति जी की मूर्ति है वो? हाँ हाँ वही, वैसी ही गणपति जी की दूसरी मूर्ति चाहिए। अरे मैडम अभी तक वो मूर्ति के पैसे ही हमें नहीं मिले। क्या? हाँ जिन्होंने वो मूर्ति ली है ना, वो औरतें कह रही है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। सॉरी नंदिनी, ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा कि ये गिफ्ट सिर्फ 1900 रुपए की है और ये 1,90,000 की निकली। हाँ सॉरी नंदिनी। इट्स ओके, इसलिए तो मैं मूर्ति वापस करने आई हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन नंदिनी हम ये गिफ्ट वापस नहीं ले सकते,
हम लोगों ने तुम्हें दोस्ती की कसम दी है। हाँ। हाँ। दया, हमारी दोस्ती की कसम नहीं टूटेगी। और मैं ये गिफ्ट वापस करने नहीं आई हूँ। मेरी ननद को ये गिफ्ट पसंद आई, इसलिए मैं इसे खरीदने आई हूँ। भाई साहब, इस मूर्ति का फुल पेमेंट मैं कर दूंगी अभी। अच्छा? लेकिन नंदिनी, तुम्हें हमसे गिफ्ट लेनी ही होगी, तुम मना नहीं कर सकती। हाँ? हाँ, हाँ। नंदिनी, प्लीज। बस दो मिनट। हेलो ऋषि, थोड़ी देर में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी। हाँ, डोंट वरी। नंदिनी, हम सबकी तरफ से ये गिफ्ट ले लो प्लीज। सफ्रेम है। थैंक यू सो मच। गणपति जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। सच में आज तुमने यहाँ आके साबित कर दिया कि अगर तुम्हारे जैसी दोस्त हो तो कभी कोई दोस्त परेशान नहीं होगा। अरे ये किस्सा ना मुझे हमेशा याद रहेगा। हमें भी। हाँ। देखिए बहन जी, अगर आप लोगों के साथ मैंने कोई बुरा व्यवहार किया हो तो मुझे माफ करना, लेकिन आप समझ सकती है कि मैं अपनी जगह पे सही था। लेकिन भाई साहब, अब तो आपको तसल्ली हुई ना कि हम लोग चोर नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, लेकिन जमाना इतना खराब है ना। देखिए भाई साहब, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, कभी कस्टमर से गलती हो जाए तो आप भी फाइनल बिल बनाने से पहले रिकन्फर्म कर लीजिएगा। अजी बाबी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है, मेहमान आ गए होंगे, खाना बनाना है तो थोड़ा। हाँ हाँ, नंदिनी हम चलते हैं। अरे डोंट वरी, इट्स ओके, मैं भी निकल ही रही हूँ इसका पेमेंट करके। यू हैव अ हैप्पी जर्नी। हाँ, हैप्पी जर्नी। हाँ, एकदम बिल पे कर लेंगे। काउंटर पे दे देते हैं हम लोग पैसे। ये बिल्कुल सही कहा तूने। चंपक भाई, अब तो सिर्फ 20 मिनट रह गए, 20 मिनट के बाद में इनको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। अरे भाभी आप चिंता मत करो, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। अरे खाना जेठिया बना रहा है क्या? हाँ सुनो जी, हम कच्चा पक्का खाना नहीं खाएंगे। भावना काकी, भावना काकी, हम आपको कच्चा पक्का खाना नहीं खाना पड़ेगा, आपकी बहू आ गई। जीती रहे, जीती रहे। पायलगू काका, पायलगू। अरे दया भाभी, नमक अच्छा, वो आप सब लोग वक्त पे आ गए, वरना अगर आज मैं खाना बना था तो आज के बाद हमारे घर पे कोई मेहमान आता ही नहीं। जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेहमानों से बातें कीजिए, हम लोग खाना लेकर अब भी आते हैं। ठीक है, मैं भी जेंट्स मंडली को फोन कर देता हूँ, आज सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। एक मिनट जेठा भाई, हमारे घर हमारी खबर और खाने का पार्सल दोनों पहुँच गया है। अरे ऐसा क्यों किया अंजलि भाभी, सब साथ में बैठ के खाते थे ना। अरे पर एक्चुअली जेठा भाई, सब सॉर्ट आउट हो चुका है, आप प्लीज मेहमानों को कंपनी दीजिए ना। लेकिन दया, क्या हुआ, क्या था, होता बता। अब जेठा जी, दया भाभी आपको बाद में सब कुछ समझा देंगे। ओके ओके, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। बनाइए खाना, बनाइए। चलो रेडी है सारा सामान, ले लीजिए ना। काका काकी आइए, खाना तैयार है। बहुत मेहनत आप लोगों ने की आज, अरे तकलीफ दी आप सबको। चलो हम चलते हैं। अरे थैंक यू।
शुरू कीजिए ना खाना। अरे चल भाई लालजी खाना शुरू कर, फिर गोली भी खानी है ना। भाई वाह, मजा आ गया। सच बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया, वो भी इतना फटाफट। थैंक यू काकी, लेकिन मेरी सहेलियों का साथ था ना, इसलिए फटाफट खाना बन गया। तेरी सहेलियां भी स्वभाव की बहुत अच्छी लगती है। हाँ काकी, हमारे गोकुलधाम में तो बहुत संप है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी को भी मुसीबत आती है ना तो सब एक दूसरे को मदद करते हैं तुरंत। कुछ भी कहो, मजा आ गया, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। इसी बात पे काका, एक एक वाटी और आमरस हो जाए। हाँ हाँ ले लाजी ले। नहीं नहीं भाई, और कुछ नहीं, अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। दवाई भी नहीं? अरे दवाई तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा अब हम चलते हैं, आओ जो। हाँ आओ जो। जरूर। टाइम पे खाना मिलता रहेगा आपको। चलो आश। अरे दया, अरे भाई अभी तो बता तुम लोग कहाँ अटक गए थे। हाँ, हाँ, मैं ये रख के आती हूँ, फिर सब बताती हूँ। अरे जेठा भाई। अरे धनजी भाई, आई 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 आई। सॉरी सॉरी जेठा भाई, थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे बापूजी है। नमस्ते। नमस्ते। वो मेरा बेटा टप्पू है। हाय। आइए बैठिए बैठिए। हाँ। क्या बात है धनजी भाई? हाँ। कुछ टेंशन में लग रहे? अरे आज दुकान में बहुत गड़बड़ी हो गई। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ औरतें आई थी दुकान में, 2 लाख रुपए का उन्होंने गिफ्ट लिया, पैसे नहीं थे, पूरा दिन इतना हंगामा हुआ ना, बहुत परेशानी हुई। और जेठा भाई ये आपके पैसे, ब्याज के साथ है, गिन लेना। अरे आपने गिने मतलब बराबर ही होंगे। अरे दया आई। ये रख देना जर। हाँ। अरे आप यहाँ, आप जानते हैं दया को? हाँ, ये वही भाई है जिनकी दुकान में हम गिफ्ट खरीदने गए थे, और ये हम सबको चोर समझ बैठे थे। क्या है? नहीं माफ करना दया बहन, मुझे मालूम नहीं था आप जेठा भाई की पत्नी है। जेठा भाई के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है ना तो मैं जेठा भाई से ही लेता हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप जेठा भाई की पत्नी है तो कभी ऐसा नहीं होता। एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले कोई बताएगा कि क्या हुआ क्या? हाँ दया बता भाई, क्या हुआ क्या था? हम बापू जी, दरअसल हुआ यूं कि देर हो गई। माफ कीजिए दया भाभी, आज मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन दूसरी बार ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी दुकान को आप अपनी दुकान मानो, जब भी जो चीज चाहे ले जाओ। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अंत में सब ठीक हो गया ना बस। मेरी भाभी हमेशा कहती है अगर हमारी नियत अच्छी हो तो नियति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, चाय वाय तो कुछ पीते जाइए। अरे चाय क्या, खाना खाकर ही जाइए ना। अरे नहीं 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 दया भाभी, मेरी वाइफ राह देख रही होगी, मुझे जाना होगा। बीवियों को तो नाराज कर ही नहीं सकते। एक बार फिर सॉरी। अरे आइए आइए।
भूख होगी बेटा, और नाश्ता कर। क्यों है? तो पापा मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे वाह, वो कभी कभी ऐसा काम भी कर लेना चाहिए। तो सोच कर आ भाई। और पापा मुझे एक सवाल खाए जा रहा है। और पुत्र वो इतना बढ़िया नाश्ता भी तू वो खा। ये रोशन एम सु करे छे, बच्चे लोग जब सवाल पूछते हैं ना तो उनको मना नहीं करते। पूछ दिकरा पूछ। पापा मैं ये सोच रहा हूँ हम चांद पर जा सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं, पर सूरज पे क्यों नहीं जा सकते? वो एकदम सिंपल है भाई, वो सूर्य देव का प्रकाश इतना ज्यादा होता है ना कि कोई भी उनके नजदीक जाता है जल के राख हो जाता है। पापा रात को जाए दो। ओ गोगी पुत्र। रोशन टू रवाड़ी बाबा, मैं समझाती हूँ। गोगी दिकरा, सूरज पर दिन और रात नहीं होते। हमारी पृथ्वी है ना, वो सूरज के आसपास गोल 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 घूमती है। हाँ, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहीं पर रोशनी होती है, समझा? पर मुझे इससे भी बड़ा सवाल खाया जा रहा है। अरे इसको नाश्ता नहीं, सवाल पे सवाल ही खाए जा रहे हैं। बोल। अगर पृथ्वी फुटबॉल की तरह गोल है तो जब भी पृथ्वी घूमती है तो हम क्यों गोल गोल नहीं हो जाते? गोल 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 सवाल पूछ रहा है, जरा सरखिरिटी पूछनी बाबा। मतलब पृथ्वी घूमती है तो हम गिर क्यों नहीं जाते, बोलो ना पापा। दिख रहा तेरे पापा गड्डी कैसे गोल 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 घूमती है ना ये बता सकते हैं, लेकिन पृथ्वी कैसे गोल 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 घूमती है ना वो नहीं बता सकते। ओ रोशन तू भी कमाल करती है, ओ ये तो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से मैं अपने गोगी पुत्र को समझा सकता हूँ। बेटा बेटा ओ गोगी पुत्र बहुत ही इजी है, वो अपनी पृथ्वी गोल है और गोल गोल घूमती है, करेक्ट? वो ऐसी मेरी गड्डी जो है जब मैं गोल गोल घुमाता हूँ तो हम कोई गिरते हैं नहीं ना? हाँ नहीं। वो ऐसे ही अपनी पृथ्वी गोल गोल सूरज के आगे घूमती है। तो पृथ्वी जल क्यों नहीं जाती? और पृथ्वी जल जाए उससे पहले वो गोल गोल घूमती हुई कहीं और पहुंच जाती है। ओ गोगी पुत्र अभी मैं तेरे को और भी इजी ढंग से समझा देता हूँ। सपोज कर ये जो है ना ये सूरज है जो कि अभी है गोकुलधाम सोसाइटी, और ये पृथ्वी यानी कि मेरी गड्डी, और ये दोनों हो गए एक साथ। अभी ये जो मेरी गड्डी है ऐसे गोल 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 गोकुलधाम के यहाँ घूमती है, पीछे जाती है तो हो जाता है अंधेरा, और सामने आती है तो हो जाता है उजाला, और उसके बाद जब हम लोग गोल गोल घूमते हैं तो ऐसे जब गड्डी घूमती है तो हम भी तो साथ साथ गोल गोल घूमते हैं, हम कोई गिरते हैं? वो सेम टू सेम ऐसे ही पृथ्वी का भी है, कितना सिंपल है ना? हाँ रोशन अगोगे बता समझा? नहीं। हाँ थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा। ओ कोई बात नहीं, ओ मैं इससे भी इसी ढंग से समझाता हूँ, अभी तेरे को समझ आ जाएगा। रोशन तू रवा देनी बाबा, तू इस तरीके से समझाएगा तो उसको जो आता है वो भी वो भूल जाएगा। गोगी दिख रहा तू एक काम कर, तू जाके मेहता साहब से पूछ, वो तुझे बहुत आसानी से समझाएंगे। वो ये भी अच्छा, वो किधर जा रहा है? और नाश्ता करके फिर जा। हाँ। कर नाश्ता, चल जल्दी खत्म करो, बहुत टेस्टी बनाया, खा खा। आखिरकार अतिथियों का सत्कार कर लिया था भाभी ने, गोकुलधाम की अपनी सभी सहेलियों के सहयोग से सत्कार हो गया। और जीवन क्या है, एक दूसरे का सहयोगी जीवन है। लेकिन इन महिलाओं को तकलीफ भी उठानी पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई अगर आप कोई चीज खरीदे तो उसकी कीमत पे गौर जरूर कर लें। इन्होंने गौर नहीं किया तो मुश्किल आ गई। आप जब कोई चीज खरीदे तो कीमत भी देख लें, गारंटी वारंटी भी चेक कर लें, और बिल तो जरूर लें। ये आपके भी हित में है और देश के भी हित में। ये सब काम जीवन में बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है। वैसे करें क्या साहब,
जीवन के कुछ नियम होते हैं, जैसे नदी समंदर की ओर बहती है, सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन गोकुल धाम में न कोई नियम, न कानून, न कायदा। मुसीबत किसी का भी दरवाजा खटखटा सकती है। जैसे अभी सूरी साहब के घर से रॉकेट बन के हमारे ये जो गोगी हैं, ये निकले हैं जो सवालों की मिसाइल तानेंगे मुझ पे। अब बच्चों के सवाल बड़े कमाल के होते हैं, सब बच्चे कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे एक बच्चे ने अपने पापा से सवाल किया, पापा आपने किससे शादी की? तो पापा ने बोला तेरी मम्मी से, और बोले मम्मी ने, बोले मुझसे। अरे पापा आप भी कमाल करते हो, आपने घर की गर्मी शादी कर ली। बच्चों के सवालों का क्या जवाब दिया जाए, देखना ये है कि सवालों के मिसाइल जो लेके आ रहे हैं हमारे गोगी साहब, वो क्या हाल करते हैं मेरा। क्योंकि विधि का विधान ये है कि मैं जब भी कुछ लिखना चाहूं कोई लिखने नहीं देता, लेकिन आपको हंसने से कोई नहीं रोकेगा। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.